माइनक्राफ्ट में और एक न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था 1.18 के अपडेट के बाद, तभी मुझे यहाँ पर एक छोटा सा जंगल बायोम मिलता है जहाँ पर बम्बू भी थे, उन्हें मैं ले लेता हूँ जल्दी से। मैंने सोचा था कि इस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड करूँगा नहीं, पर बाद में सोचा कि कर ही लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत तो है। उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, अभी मैं उसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। मुझे एक पैरट दिखा था जिसे मैं टेम करना चाहता था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ पर मुझे एक केव मिलता है इसी टाइम, तो मैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करने का सोच रहा हूँ। जो भी हो, यहाँ पर ओशन आ गया था जो मैं चाहता था कि घर के पास में ही हो, तो मैं खुशी था इस अपडेट से। इसी जगह पे मुझे ये एजेलिया का ट्री मिलता है, मतलब कि इसके नीचे ही है लस्क केव। फिर भी मैं अभी के लिए गया नहीं वहाँ पर, और मैं अभी यहाँ पर कोकोबीन ढूंढ रहा था। जंगल बायोम जब है कोकोबीन तो होगा ही इसीलिए, पर बहुत ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। बहुत देर बाद एक मिलता है सिर्फ, वो भी पूरा पका हुआ था नहीं, सिर्फ एक ही मिला उससे। उसे लेकर घर चला आता हूँ। इस अपडेट के वजह से थोड़ा बहुत अजीब से अपडेट हुआ, पर यहाँ पर ग्लिच है और जंगल बायोम और डेजर्ट बायोम मिस गए। मैंने यहाँ पे आते वक्त रास्ता दिखाया नहीं था, इसीलिए जाते वक्त ही दिखा रहा हूँ। वो रहा मेरा पास वाला विलेज, और ये रहा मेरा स्केलेटन स्पॉनर का, मतलब स्केलेटन का फार्म जो है। उसके बाद मैं घर चला है, और ये रहा मेरा स्टोन फार्म, देखा होगा शायद पिछले वीडियोस में। घर आके तो पहले बोन से बोन मिल बना के कोकोबीन को ग्रो कर लेता हूँ, जिससे कोकोबीन का कमी कभी ना हो। उसके बाद मैंने सोचा कि इन सीड्स को मैं कंपोस्ट कर दूँ, पर उसी दौरान मैं पानी में गिर जाता हूँ। जो भी हो, मैं इन सीट को लेके इस कॉम्पोस्टर में कॉम्पोस्ट कर देता हूँ और जाता हूँ बम्बू को लगाने। मुझे इस ऊंची जगह में बम्बू लगाना था, मैं इसके चारों तरफ बम्बू लगा देता हूँ जिससे एक बैरिकेड जैसा बन जा रहा था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिला हुआ कॉबवेब से स्ट्रिंग बनाया, और जो बैम्बू मुझे अभी मिले उनसे मैं स्कैफोल्डिंग बना लिया, जिससे बहुत ज़्यादा आसान होगा सारा काम। और अब मैं जाऊँगा स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जिसके लिए मैं नेदर से रास्ता बना के रखा हूँ। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा घर जैसा बना दिया जिससे बाहर से कोई अंदर ना आ सके, देख सकते हो। और हाँ, अभी मैं पीसफुल में हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का रास्ता यहाँ पीछे से है। यहाँ पर मैं ट्विस्टेड वाइंड लगा दिया जिससे मैं ऊपर नीचे आसानी से कर सकूँ, और ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड का रास्ता। जो मैंने पोर्टल का फार्म बनाया था उससे ही मैं यहाँ पर चला गया। ऑक्सीजन और कौन यूज़ करे जब यही है हाथ में। वहाँ पर पहले तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर बाद में देखता हूँ कि दूर दूर में स्नो बायोम बन गया था। जो भी हो, मेरे पास स्नो तो था नहीं, तो मैं ऐसे ही उठा लिया थोड़ा बहुत। क्या कोई चेंजेस हुआ है वही मैं मेनली देखने को आया था, क्योंकि ये तो घर से थोड़ा दूर है। मैंने पहले यहाँ पर पोर्टल लगाया था, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर।
इस जगह पे, जिससे मेरा घर में ही कनेक्ट हो गया था, तो मैंने इसी से घर चला गया, मतलब कि घर वाले पोर्टल से। देखो कहाँ निकलता हूँ, यहाँ से निकला और फिर से यहाँ पर गया तो मैं घर पहुँच गया। बहुत आसान हो गया घर जाना अभी। पहले तो मैं स्नो फार्म बनाने का बहुत से नाकाम कोशिशें करता हूँ, वो मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं, और आखिर में ये वाला मेथड काम करता है तो मैं यही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 4 ग्लास पेन लगा के मिडिल के सारे ब्लॉक को ब्रेक करना होगा, और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना के यहाँ पर स्नो गोलेम को स्पॉन करना होगा, और ऐसा करने के बाद स्नो गोलेम को मिडिल में धकेलना होगा, जिससे वहाँ पर सारे चारों ब्लॉक पे स्नो आ जाएगा। इसे आप सवल से ले सकते हो, पर बाद में मैं ये ऑटोमेटिक वाला कर दिया जो पिस्टन वाला है, ये इसे ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पर पहले तो मैं 2 चेस्ट रख दिया, और यहाँ पर हॉपर लगाने के चक्कर में ये स्नो ग्लेम बाहर आ गया, तो उसे मारना पड़ा। स्नो ग्लेम ये क्या होता है, स्नो गोलेम सॉरी, जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर 4 हॉपर लगा दिया जहाँ पर स्नो गोलेम आएगा। और उसके बाद चारों साइड को कवर कर दिया, क्योंकि अभी पिस्टन भी लगाना होगा, और जो स्कैफोल्डिंग बनाया वो अभी काम आ रहा है। अब 4 पिस्टन लगा सकते हो कैसे भी, चारों ब्लॉक को सिर्फ कवर करना चाहिए तो ही होगा। उसके बाद बहुत बार ट्राई किया कि स्नो गोलेम को मिडिल में ला सकूं, पर ये हो ही नहीं रहा था, तो क्या करूं। पहले तो मैं हाल छोड़ दिया था, पर बाद में हो गया। पहले तो मैंने सोचा था कि ऐसे 3-4 स्नो गोलेम से काम चलाऊंगा, पर इसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जो भी हो, अभी मैं पिस्टन सबको कनेक्ट कर दे रहा हूँ रेडस्टोन से, जिससे स्नो ब्लॉक चेस्ट में जमा होगा। अब तो मैं पहले तो इन सबको रेडस्टोन से कनेक्ट कर दिया, और देख सकते हो कि स्नो गोलेम फिर से यहाँ से भागा था। जो भी हो, मैंने तो अब इस मशीन को चालू कर दिया था, जिससे स्नोबॉल कलेक्ट शायद हो रहे थे, देख लिया तो हो रहा था, अच्छा लगा देख के। मैंने और एक बार स्नो ग्लेम को डालने का ट्राई किया था, जिससे वो मिडिल में आ गया था, तो मैं साइड वाले को मार दिया। मारना तो चाहिए था नहीं, पर तो भी मैं मार दिया। अभी तो सिर्फ एक स्नो गोलेम से ही काम हो जा रहा है, तो दूसरे का क्या ज़रूरत, चेस्ट पूरा फुल हो गया। मैंने ब्लॉक बनाने की जगह गलती से कारपेट बना दिया था, सॉरी क्रॉप स्नो, कारपेट क्या कह रहा हूँ। और देखो उसके बाद मैं ये वाला बैम्बू फार्म बना लिया, क्योंकि बैम्बू का तो भी ज़रूरत है। ऊपर सिर्फ एक ऑब्जर्वर लगाया है, ज़्यादा से भी होगा पर मैं कम ही लगा दिया। उसके बाद देखता हूँ कि ट्रेडर मुझे एक कोरल का ब्लॉक और सीपिकल दे रहा है। सीपिकल तो मेरे पास पहले से ही था, पर कोरल का ब्लॉक नहीं था जिसमें मैं सीपिकल को उगा सकूँगा, इसीलिए मैं ले लेता हूँ जितना हो सके। थोड़ा बहुत सीपिकल फिर से भी ले लिया, थोड़ा बहुत नहीं सिर्फ 4। अब मैं पानी के अंदर अगर इसके मतलब कि इस कोरल के ऊपर बोन मिल करूँ तो मुझे मिल जाएगा ये ज़रूर। उसके बाद बैम्बू से कुछ स्टिक्स बना के ट्रेड कर लिया, जिससे मुझे थोड़ा बहुत एमरल्ड मिल गए, और अभी मैं चला गया इसको फार्म करने को।
ये प्रोसेस तो सिंपल है, सिर्फ कोरल ब्लॉक के ऊपर सीपी को रख के बोन मिल करना होता है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस में नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इजी है। उसके बाद मैं कोकोआ बीन का फार्म बना लिया जिससे मुझे कोकोआ बीन मिलेगा सिर्फ एक बार बटन प्रेस करने से। इसका ट्यूटोरियल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप सबको आसानी हो बनाने में, क्योंकि इससे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियो में। उसके बाद मेरे पास जितने भी कोकोआ बीन थे उन सबको प्लांट कर दिया और इस फार्म को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया। कुछ इस तरीके से काम करेगा ये फार्म, दोनों तरफ पिस्टन है, दोनों तरफ से पुश होगा जिससे कोकोआ बीन नीचे गिर जाएगा। ये देखो मैं कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है, ऊपर को एक रूफ जैसा बना दिया और कुछ कोकोआ बीन ग्रो हो गए हैं जिन्हें मैं अभी तोड़ लेता हूँ। जो ग्रो हो गए उससे ज़्यादा मिला और जो ग्रो नहीं हुए उनसे सिर्फ एक ही मिला, ऐसे ही कम करेगा ये, सिर्फ आपको लगा देना होगा बार बार। अभी मुझे आप सबको एक बात बताना है कि मेरा अब तक का रिकॉर्डेड वीडियो था एग्ज़ाम का पहले और इसके बाद जो है वो अभी अभी रिकॉर्ड किया, इसीलिए याद नहीं था कि क्या क्या किया और मैं उसमें ही एक बार मैं बोला हूँ वॉइस ओवर नहीं किया। अगर कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट अभी अभी एक मैंने ट्राइडेंट वाला ड्राउंड मारा था जिससे मुझे एक ट्राइडेंट मिल गया था, मैंने इसे यहाँ पर ही रख दिया था जो भी हो। और यहाँ पर जो शुगर केन का फार्म था वो मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने ये वाले ब्रिज बनाया है जिसके सामने वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसका बनाने का ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो भी हो मैं ये ब्रिज बनाया था और यहाँ पर ये बैम्बू का फार्म पहले दिखाया है क्या याद नहीं, इसीलिए फिर से दिखा रहा हूँ। और मैंने एक ऑप्टिमाइजर लगाया है जिसके वजह से यहाँ पर कंपास और क्लॉक दोनों ही आ रहा है राइट साइड टॉप में। और ये शुगर केन फार्म मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और ये ऑटोमेटिक वाला भी। और ये रहा मेरा कोकोआ बीन फार्म, कुछ देर पहले ही कलेक्ट किया जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। जो भी हो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज वहाँ पर जाऊँगा, वो एजेलिया का जो किट था वहाँ पर लैंडस्केप मिल जाएंगे इजीली। और यहाँ पे ये रहा देखो, इस ऑप्टिमाइजर ने ग्रास का हाइट को कम कर दिया और आउटलाइन वहाँ तक किया। ये 2x12 फ्लावर के साथ भी ये सेम चीज़ किया दिखा रहा हूँ। इस पाथ को मैं थोड़ा चेंज किया, अच्छा ही लग रहा है, कमेंट में बताना कि कैसा है। ये रहा 2x फ्लावर, अब छोटे छोटे ही लग रहे हैं पर वो भी अच्छा ही है। देखता हूँ मैं आज भी जा सकता हूँ या फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी जा सकता हूँ, वो लास्ट केव में पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। और मैं और एक लास्ट केव फाइंड कर लिया इस दौरान ही, स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के रास्ते में ही पड़ता है, उसमें भी जा सकता हूँ या फिर पुराने वाले में भी जा सकता हूँ, दिखता हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं लास्ट केव में अब नेक्स्ट एपिसोड में ही जाऊँगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया तो मैं लास्ट केव में नेक्स्ट एपिसोड में ही जा रहा हूँ। लास्ट केव तो ढूंढना पड़ेगा नहीं क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैं मेनली जाऊँगा ग्लोबेरी और स्पोर ब्लॉसम जो सीलिंग में लटकते हैं उनके लिए।
वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, उन्हें ग्रो करने का कोई तरीका भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में लास्ट स्टेप जा रहा हूँ, और आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब तक के लिए बाय बाय।